हे फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने वाले इन्फिनिटी मॉल और वहाँ पर जाएंगे हम लोग फन जोन में। तो वहाँ जो भी मैं एक्टिविटी करूँगी उसका जो है मैं प्राइस के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो अच्छी लाइक ज़रूर कर देना। सेकेंड फ्लोर पर है ये और इसके ऊपर भी एक है जो कि थोड़ा बड़े बच्चों का है और ये इससे जो नीचे जो है सेकेंड फ्लोर पर वो थोड़े छोटे बच्चों का है। तो यहाँ पर मैं आई थी और इसका ये पर घंटे के हिसाब से चार्ज होता है। बहुत सारे बॉल वगैरह होते हैं और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर घंटे के हिसाब से इसका चार्ज होता है 250 रुपीज़। और यहाँ जितने छोटे भी बच्चे और जो रेंगते हैं वो भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। 3 से 4-5 साल के बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। ये बहुत ही सेफ़ होता है, बच्चों को लगने की जगह बिल्कुल भी डर नहीं होता है। और क्योंकि सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया है सॉफ्ट मटेरियल से और नीचे भी एक अच्छा सा सॉफ्ट जो मैट बिछाया गया है। तो फर्स्ट आपको एक कार्ड लेना होता है, उसमें रिचार्ज करना होता है और उसका रिचार्ज कुछ 1000 रुपीज़ से शुरू होता है। लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी दिए जाते हैं। जैसे अगर आप 1500 का वाउचर कराते हैं तो 500 रुपये आपको फ्री मिल जाता है, मतलब आपके पास 2000 रुपीज़ कार्ड में रहते हैं। फिर बाहर आने के बाद भी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है और जिसके प्राइस स्टार्ट होते हैं कुछ 55, 65, 70, 80 रुपीज़ तक ही है। इतने छोटे छोटे जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, इस तरह की बोट हो गई, सामने गेम चलता रहता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस तरह का जो बॉल है फुटबॉल वगैरह उस बास्केटबॉल उसे बास्केट में डालना होता है और ये कुछ मिनट्स के लिए होता है, जैसे 5 मिनट या फिर उससे भी कम, मेरे ख्याल से 3 या 2 मिनट का भी कोई कोई गेम होते हैं इसमें। तो ये सारे गेम जो है ना 5 मिनट के अंदर ही होते हैं और इसके जो प्राइस होते हैं वो 55, 60, 65 इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो इस तरह का जो हेलो किटी वाले में तहा बैठा है ये कुछ 3 से 4 मिनट के लिए बच्चों को घुमाता है और इसका प्राइस है 70 रुपीज़। तो पूरा जो गेम जोन के लिए हमें 2 दिन आना पड़ा था, तो मैं 7 बजे आई थी तो 9 बजे तक पूरा बंद हो गया था। तो 2 घंटे में बच्चे इतना नहीं खेल पाए बिकॉज 1 घंटा तो अंदर ही चला जाता है जहाँ पर वो बॉल वगैरह होते हैं, उसके बाद 1 घंटा पॉसिबल नहीं होता कि बच्चे इतना खेल सकें। तो ये काफ़ी बड़ा तो नहीं है मैं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है खेलते खेलते। तो मैं सेकेंड डे भी आई थी बिकॉज कार्ड में पैसे बच गए थे तो मैंने सोचा ख़त्म ही कर देती हूँ। तो ये सारे गेम जो है पूरे हैं, ऑलमोस्ट बच्चों ने खेले वो पूरे 2000 रुपीज़ में खेले और जिसमें ताहा और यासमीन दोनों ने खेल लिए थे आराम से। और छोटे छोटे चीज़ों के बाद भी ऐसे बड़ी बड़ी 2-3 चीज़ें भी है, जैसे वो हॉर्स वाला है और ऐसा वो स्पेस वाला बना हुआ है और इस तरह का जो बड़ा झूले होते हैं उसका जो प्राइस है 110 रुपये है। तो यासमीन ऐसे 2 झूले में बैठा था और इसका प्राइस 110 है जिसमें अभी बैठा है। एक हॉर्स वाला था जो राउंड राउंड घूमता है, इतना फास्ट भी नहीं घूमता है, बहुत ही नॉर्मल होता है, बच्चे बिल्कुल नहीं डरते, तो उसका भी प्राइस 110 ही था। और सिर्फ एक उसके साथ बच्चे के साथ एक जन को जाना फ्री हो जाता है, तो सिर्फ 110 ही चार्ज है, दोनों का अलग अलग नहीं होता है चार्ज। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है ये जो गेम जोन फन जोन होते हैं इसमें बच्चों के साथ साथ ना पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है बिकॉज माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, घर से बाहर थोड़ा निकलते बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये महीने में एक बार तो होना ही चाहिए, कुछ 1500 रुपये बड़ी बात नहीं होती है 2 बच्चों के लिए। अगर आपके पास एक ही बच्चा है तो वो जो 2000 रुपीज़ वाला कार्ड है ना वो आपको आराम से 2 बार चल जाएगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।